चलिए मध्य प्रदेश के राजगंज जिले की बात करते हैं, जहां पर शासकीय प्राइमरी स्कूल मुंगालिया के इन दिनों हाल बेहाल हो चुके हैं। वर्तमान में यह स्कूल एक अतिथि शिक्षक और शिक्षक के भरोसे चल रहा है। यहां पर पदस्थ सहायक की मनमानी भी देखने को मिल रही है, जिससे स्कूली छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। पूरे मामले की शिकायतें पूर्व सरपंच संजय मीणा और ग्रामीणों ने BRC से की है, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और शिक्षिका दोपहर 12:30 बजे स्कूल पहुंचती है। जब मामले को लेकर शिक्षिका शोभना श्रीवास्तव से बात की तो वह बचती हुई नजर आई हैं, जबकि एक दिन पहले ही गांव के एक युवक ने लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि सहायक शिक्षिका श्रीवास्तव की मनमानी लंबे समय से चली आ रही है। इस वजह से छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वर्तमान में यह स्कूल एक अतिथि शिक्षिका और शिक्षक दीपक नामदेव के भरोसे चल रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने अन्य शिक्षकों को पदस्थ करने की मांग की है। कितने बजे आती है मैडम?